हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे एन एनालिसिस ऑफ सिंपल पास्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट। जब हम प्रेजेंट परफेक्ट को यूज करते हैं तो हम कुछ सेंटेंसेस में देखते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट के अलावा सिंपल पास्ट भी यूज हो सकता है। और ऐसे ही हमारे पास दो सेंटेंसेस आए भी थे। एक सेंटेंस हमारा एक्सरसाइज 46 में था रेनर मार्टिन हाई स्कूल में, और दूसरा 47 एक्सरसाइज में था। दो सेंटेंसेस मैं आपको लिखता हूं, एक नेगेटिव का है और एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। देखिए, मेरा एक सेंटेंस था, फर्स्ट सेंटेंस, आई डैश कुमार। अब कुमार ये किसी का नाम है, आई डैश कुमार दिस वीक। इसके आपके तीन ऑप्शन दिए हुए थे, तीन में से दो ऑप्शन करेक्ट थे। अब हम सिर्फ करेक्ट ऑप्शन को देखेंगे, बिकॉज वी आर डूइंग एनालिसिस ऑफ टू टेंसेस, सो वी विल बी कन्फाइंड टू टू ऑप्शंस ओनली, एंड बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट। फर्स्ट मेरा ऑप्शन था डिडंट सी, और दूसरा था हैवंट सीन। ये दो ऑप्शन हमारे पास थे और दोनों के दोनों ऑप्शन ही करेक्ट थे। एक और सेंटेंस था हमारे पास, हमारा दूसरा सेंटेंस था आई डैश ए लॉट ऑफ वर्क टुडे, और आंसर हमारे पास हो जाते हैं डिड और Have done। अब देखिए, दोनों के दोनों सेंटेंसेस में मेरा, अगर मैं फर्स्ट पार्ट देखता हूं, ये यहां पर और यहां पर, ये है मेरा सिंपल पास्ट और ये पोर्शन मेरा है प्रेजेंट परफेक्ट का, और दोनों के दोनों तरीके से आंसर करेक्ट हो जाता है। ऐसा कैसे होता है, इसको अगर अच्छे से आपको समझना है तो मैं आपको एक सिचुएशन देता हूं। बहुत सिंपल सिचुएशन है, मान लीजिए आपके फ्रेंड के साथ आपका आज इवनिंग में कहीं पर मूवी देखने का प्लान था, और अभी वो समय होने वाला है, और उस समय से कुछ समय पहले आपके दोस्त का फोन आता है कि क्या आप मूवी देखने के लिए आ रहे हैं, और आप उनको रिप्लाई का देते हैं। देखिए, आपका रिप्लाई क्या होता है, मैं रिप्लाई लिख देता हूं। आपका रिप्लाई होता है नो, कि भाई मैं आज नहीं आ पाऊंगा। क्यों नो? पहले तो आप बोलेंगे नो आई एम सॉरी, नो आई एम सॉरी, माय अंकल हैज जस्ट अराइव्ड From पुणे, कि अभी अभी मेरे अंकल पुणे से आ गए हैं, इसलिए मैं आज नहीं आ पाऊंगा। ये मैंने सेंटेंस यूज किया हैज को हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर, और जस्ट या नाउ ये वर्ड तो हमारे इंडिकेट ही करते हैं कि मेरा नियर पास्ट है, अभी अभी ये काम कंप्लीट हुआ है। तो यहां पर आप देखते हैं जो आपका टेंस यूज होता है वो है प्रेजेंट परफेक्ट, आपने प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया। अच्छा, अब इसके बाद अब आपका दोस्त पूछता है, अच्छा अभी अभी आए हैं, किस टाइम आए, कब पहुंचे वो, आप क्या आंसर देंगे? अब जस्ट का मतलब तो है ही अभी थोड़ी देर पहले, है ना, और आपकी बातचीत मान लीजिए हो रही है इसके 20 मिनट बाद या आधे घंटे बाद, ठीक है, 5 बजे का समय है और 4:30 बजे के करीब वो आए हैं, तो अब आप क्या रिप्लाई देंगे? जैसे वो पूछेगा कि कब आए, कब आपके अंकल आकर पहुंचे अभी, तो आप कह देंगे ही अराइव्ड हेयर एट 4:30
पीएम, और अभी टाइम कितना हुआ है, टाइम एट दैट मोमेंट, और उस एक्शन पर टाइम एक्चुअली कितना हुआ है जो आपके पास है, अभी टाइम मान लीजिए 5 बजे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आपका सेंटेंस कैसे होता है। अब आपने यहां पर जब ये बताया कि वो 4:30 पर यहां पर पहुंचे, ठीक है, या पहुंचे हैं, तो दोनों सिचुएशन में या दोनों तरीके से मैं बात कहता हूं जब अपनी, तो मैंने यहां पर टेंस कौन सा यूज किया, ही अराइव्ड हियर एट 4:30 PM, कि वो 4:30 बजे आए। अब ये सेंटेंस कौन सा होगा मेरा, ये सेंटेंस मेरा हो गया पास्ट इंडेफिनेट का। लेकिन आप एक बात देखिए, ये दोनों की दोनों बातें क्या प्रेजेंट में नहीं हुई है, दोनों की दोनों एक्टिविटी प्रेजेंट के अंदर होती हैं, और एक जगह मैं यूज करता हूं प्रेजेंट परफेक्ट और एक जगह मैं यूज करता हूं सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनेट। रीजन है सेंस, मैं सेंस क्या दे रहा हूं जब मैं बोल रहा हूं। अगर मैं इस सेंटेंस को देखता हूं तो मेरी सेंस क्या आती है, ऊपर वाले सेंटेंस से मुझे सेंस मिलती है सेंस ऑफ कंप्लीशन, कि कोई एक्टिविटी पूरी हुई है, मैं इस तरीके से बता रहा हूं। और यहां से मुझे क्या सेंस मिलती है, सेंस ऑफ समथिंग हैपेंड, सेंस क्या मिली किसकी, कि कुछ हुआ, यहां पर भी हुआ है लेकिन साथ में कंप्लीशन की सेंस देता हूं, और यहां पर मैं जस्ट बताता हूं कि ऐसा कुछ हुआ। और ज्यादा क्लैरिफाई करूं आपको, मैं आपको दो सेंटेंस और लिख कर देता हूं। मान लीजिए कोई डिलीवरी बॉय है, जैसे हमारे अमेजन के या दूसरे कंपनीज के हैं, और वो कुछ ना कुछ पार्सल्स आपको डिलीवर करते हैं, तो एक ही चीज को दो तरीके से कैसे कहा जाएगा, एक जगह आपकी सेंस कैसे कंप्लीशन की आएगी, एक जगह कैसी आएगी कि कुछ हुआ। देखिए अगर वो कोई डिलीवरी बॉय जिसने आज मान लीजिए उसने 50 पैकेट्स डिलीवर कर दिए, तो इस बात को वो कैसे कहेगा, एक तो ये कहे टुडे आई हैव डिलीवर्ड 50 पैकेट्स अप टू नाउ, कि अब तक मैं 50 पैकेट डिलीवर कर चुका हूं, देयर इज ए सेंस ऑफ कंप्लीशन। तो मैंने हैव लगाया और थर्ड फॉर्म लगाई, तो सेंस ऑफ कंप्लीशन की वजह से क्या यूज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट यूज हुआ। अब वो ये भी कह सकता है टुडे आई डिलीवर 50 पैकेट्स। अब यहां पर क्या है, यहां वो सेंस ऑफ कंप्लीशन नहीं दे रहा जिस तरीके से यहां दे रहा है। अब मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे कि सेंस ऑफ कंप्लीशन से मैं क्या कहना चाहता हूं, और कुछ हुआ समथिंग हैपन उससे मैं क्या कहना चाहता हूं। यहां वो क्या कहता है कि आज मैंने 50 पैकेट डिलीवर किए, और मैंने इसको किससे कहा, सिंपल पास्ट से कहा। देख लीजिए दोनों की दोनों एक्टिविटीज एक ही एक्टिविटी, अगर आप देखेंगे एक ही चीज है, लेकिन कहने का तरीका अलग हो जाता है। और मैं फिर से आपको बताता हूं, मैंने जहां पर प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस को कवर किया है, ऑल अबाउट टेंसेस जो प्लेलिस्ट है उसमें देर आर 17 वीडियोस अबाउट टेंसेस, तो उसमें से एक वीडियो है यूजेस ऑफ परफेक्ट टेंसेस, और उसमें अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट के यूजेस को सुनेंगे, वहां पर जो मैंने बताया है देखेंगे अगर आप, तो मैंने एक चीज बोली थी स्ट्रेस करके कि प्रेजेंट परफेक्ट इज टूडेज पास्ट। प्रेजेंट परफेक्ट इज होता क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट इज टूडेज पास्ट, ये आज का पास्ट ही है, तो टूडे जो टूडेज पास्ट है इसको हम फिर पास्ट इंडेफिनाइट से भी कह सकते हैं, अगर हम सेंस ऑफ कंप्लीशन ना दें अपने सेंटेंस के अंदर। अब आप देखिए, अब आप समझ जाएंगे कि डिड भी क्यों ठीक है और हैव डन भी क्यों ठीक है, ये भी वैसे सेंटेंस हो गए जैसे ये सेंटेंस है ऐसे ही है, आई डिड ए लॉट ऑफ वर्क टूडे या आई हैव डन ए लॉट ऑफ वर्क टूडे, दोनों ठीक है।
अब यहाँ पर अप टू नाउ से और अच्छी सेंस आ जाती है। अगर मैं इसको ना लिखूं तो भी मेरा सेंटेंस, यहां से भी मेरा सेंटेंस ठीक हो जाता है, तो भी मेरे दोनों के दोनों टेंस यूज हो जाते हैं। इसी तरीके से ऊपर वाले में ये नेगेटिव हो जाता है, इसमें परफेक्शन डिनाई हुआ कि मैंने मिस्टर कुमार है कोई, उनको इस हफ्ते मैंने अब तक नहीं देखा है, या फिर उस इस हफ्ते मैंने उनको नहीं देखा, इस हफ्ते मैंने उनको नहीं देखा, समथिंग दैट डिडंट हैपन, कुछ नहीं हुआ, यानी समथिंग दैट हैपन्ड ये डिनाई हो गया है, और इस हफ्ते मैंने उनको देखा ही नहीं है, यानी देखने का परफेक्शन पूरा हुआ ही नहीं है। सो सेंस ऑफ परफेक्शन, सेंस ऑफ कंप्लीशन इज डिनाइड। सो आई थिंक और आई होप द एनालिसिस ऑफ टू सेंटेंस टू टेंसेस इज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।